अस्सलाम वालेकुम क्रिएटिव राइटिंग कोर्स है तो ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी ज़िक्र और उनके बारे में भी आपको बताया जाए और उनका बेहतर इस्तेमाल बताया जाए क्योंकि यही वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको जोड़ के जुमले बनते हैं और जुमलों से इबारत बनती है और इट्स द क्लेवर यूज़ ऑफ़ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट मेक्स ग्रेट राइटिंग आज का जो इस सेशन का टॉपिक है हमारा वो है वर्ब्स यानी कि जो उर्दू में जिसको फेल कहते हैं दीज आर एक्शन वर्ड्स तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउनस और वर्ब्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बाकी चीज़ों से ज़्यादा इनकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि नाउन वो शख्स है जिसके साथ कोई कहानी पेश आ रही है एंड वर्ब्स आर द एक्शन हो क्या रहा है कहानी में वो आपको वर्ब्स या जो फेल हैं जो डूइंग वर्ड्स हैं जैसे सिंगिंग जम्पिंग फॉलिंग इनसे पता लगता है कि कैरेक्टर के साथ हो क्या रहा है या कैरेक्टर या कोई जो भी उसमें किरदार है वॉट इज़ इट दैट दे आर डूइंग So that's why it's important to know a lot of verbs and choose the correct ones. That makes a whole lot of difference. Just or verb ki importance hai ki ek verb is a complete sentence also. Just if uh, if someone says move, it's a complete sentence. That means you're telling someone to please quickly move. Or if you say run or eat. em foster फॉस्टर हैं उनकी बहुत मशहूर किताब है हार्वर्ड्स एंड इस पर मूवी भी बनी हुई है उसमें uh, उनका एक सेंटेंस uh, है ओनली कनेक्ट इसमें नाउन भी नहीं है इसमें सिर्फ एक वर्ब है कनेक्ट और एक एडवर्ब है उसके जरिए उन्होंने एक पावरफुल सेंटेंस बनाया है ओनली कनेक्ट उसके अलावा ये है कि अगर आपको सही अपने जो आप मतलब कन्वे करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट वो वाला वर्ब पता है तो यू कैन सेव अप ऑन वर्ड्स अगेन इट्स नॉट गुड कि आप लंबी लंबी चीज़ें लिखें योर राइटिंग शुड बी कंसाइस एंड प्रिसाइस एंड देर शुड नॉट बी एक्स्ट्रा वर्ड्स विच एड टू द बर्डन जैसे वो आप होते हैं ना एक्सेस बैगेज कैरी कर रहे हैं तो फालतू के वर्ड्स आर लाइक दैट एक्सेस बैगेज इस जुमले को देखिए ही रैन क्विकली अप हिल इसमें आपने एक देर अ वर्ब रैन वो भागा क्विकली जल्दी से सो देर आर टू वर्ड्स बींग यूज एक वर्ब है और एक उसको बताने के लिए कि वो कैसे भागा क्विकली का वर्ड है इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन जस्ट से इंस्टेड ऑफ सेंग ही रैन अप दिल यू कैन से ही शॉट अप दिल विच मीन्स जल्दी से भागना सो द वर्ब शॉर्ट टेल्स यू दैट ही रैन क्विकली तो इस तरह आप एग्जैक्ट अगर वर्ब यूज करेंगे तो आप अपने कम अल्फाज में क्रिस्प तरीके से एक मीनिंग कन्वे कर सकते हैं और शूट करना या ही अप से एक आपको इमेज भी आती है कि कोई बहुत तेजी से गोली की तरह से जाता जा रहा है इसी तरह एक और सेंटेंस है कैरिंग हर ट्रंक शी वॉकड अलॉन्ग हैविली अब किसी ने वजन उठाया हुआ दैट्स वाई शी वॉकड अलॉन्ग हैविली इसको ही अगर आप वॉकड अलॉन्ग हैविली के बजाय आप ट्रच्ड कह लें टू ट्रच मीन्स टू वॉक हैविली तो आपको एक वर्ब और उसके साथ उसको एक डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड की जरूरत नहीं रहेगी यूल सेव ऑन वर्ड्स एंड यू उल कन्वे अ शार्पर मोर फोकस्ड इमेज ऑफ वर्ट द कैरेक्टर इज डूइंग शी इज़ कैरिंग अ ट्रंग एंड शी इज़ ट्रचिंग अलॉन्ग इसके साथ ये कि आप अपनी जो मेंटल इमेज है जो आपके दिमाग में इमेज है वो आप एग्जैक्ट वर्ब से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू नो अ लॉट ऑफ वर्ब्स सो यू कैन चूज़ फ्राम दैम एंड अगेन इफ़ यू आर एविड रीडर अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास की वो कैबलरी होगी आपको एकदम से सूझेगा कोई वर्ब उस चीज़ के लिए और फिर आप वो लिख सकते हैं एंड देन और आप उसमें से जैसे आर्टिस्ट के पास पूरे कलर्स होते हैं एंड देन दे डिसाइड ओके आई एम गोइंग टू यूज़ ब्लू टुडे और ऑकर टुडे तो उसी तरह एक राइटर भी फिर चूज़ कर सकते हैं इस मूड के लिए और इस राइटिंग के लिए मुझे ये वाला वर्ब जो है ना ये सबसे बेस्ट सूटेड रहेगा अच्छा ये ऐसी आपकी दिलचस्पी के लिए कि एक चीज़ है लाइट और उसको डिस्क्राइब करने के लिए कितने सारे वर्ब्स हैं सो लाइट इज़ समथिंग दैट कैन शाइन इट कैन ग्लो इट कैन ग्लिटर इट कैन रेडिएट एंड इट कैन परमिएट जो छन छन के किसी दरख्तों में से Uh, या वो उसमें से पर्दे के बीच में से कर्टन्स के बीच में से आती है दैट्स कॉल्ड परमिएटिंग ऑफ लाइट तो एक ही वर्ड में आपको बजाय आप ये कहें कि द लाइट वॉज फॉलोइंग थ्रू द कर्टन्स इन अ वेरी सॉफ्ट वे यू कैन जस्ट से लाइट वॉज परमिएटिंग थ्रू द करटन एंड दैट इम्प्लाइज कि वो सॉफ्ट तरीके से आ रही है थिंग टू यू विच यूज सम वर्ब्स प्लीज़ नोटिस कि इसमें कितना कम एक्शन है लेकिन उसने वर्ब्स ऐसे यूज़ किए हैं कि उसमें कितनी बड़ी बात कर दी है थ्रू द यूज़ ऑफ वर्ब्स शी वॉज डूइंग अ थिंग दैट आई कुड सी एक्सेप्ट स्टैंडिंग देयर लीनिंग ऑन द बैल्कनी रेलिंग होल्डिंग द यूनिवर्स टुगेदर अ गर्ल आई न्यू नाम की किताब है उसमें से ये सो so, एक्शन कोई भी नहीं है देर इज अ वूमन लीनिंग ऑन अ रेलिंग एंड शी इज़ होल्डिंग द यूनिवर्स टुगेदर मे बी द कैरेक्टर हु इज़ हुईंग दिस इज इन लव विथ हर और उसको ऐसा लग रहा है कि ये उसकी दुनिया को ये होल्ड किए हुए सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई आई थॉट इट्स अ पावरफुल यूज़ ऑफ वर्ब्स एंड आई थॉट इट माइट इंटरेस्ट यू जैसे मुझे बहुत इसने फैसिनेट किया इसके अलावा एक और आपके लिए एक है लिटिल प्रिंस इज़ अ वेरी गुड बुक बच्चों की किताब है एक फ्रेंच ऑथर की है और ट्रांसलेट हुई है इंग्लिश में भी और बल्कि उर्दू में भी ट्रांसलेशन उसकी मौजूद है एंड इट्स अ मस्ट रीड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है वो बच्चों बच्चे के बारे में बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एवरी वन एंड इट्स अबाउट इमेजिनेशन एंड क्वेश्चनिंग थिंगज एंड फैंटसी फिक्शन है बहुत खूबसूरत किताब है उसमें से एक सर्वट है एक फॉक्स और एक बच्चे के दरमियान एक कॉन्वर्सेशन है एंड नोटिस हाउ द वर्ब टेम इज़ बीग यूज बच्चा फॉक्स से कह रहा है कि आप मेरे साथ खेलें और फॉक्स कह रहा है कि मैं टेम नहीं हूँ जस्ट दैट सेट द फॉक्स टू मी यू आर स्टिल नथिंग मोर देन अ लिटिल बॉय हु इज़ जस्ट लाइक अ हंड्रेड थाउजेंड अदर लिटल बॉयज एंड आई हैव नो नीड ऑफ यू And you, on your part, have no need of me. To you, I am nothing more than a fox, like a hundred thousand other foxes. But if you tame me, then we shall need each other. To me, you will be unique in all the world. To you, I shall be unique in all the world. Ah, I am beginning to understand, said the little prince. There is a flower. I think that she has tamed me. द वर्ड टेम नॉर्मली मीन्स कि किसी जानवर को सिधाना या उसको अपने काबू में करना लेकिन यहाँ पर एक लव की मीनिंग में यूज़ हो रहा है वर्ड टेम कि वो उसने कहा कि एक फ्लावर है उसने मुझे टेम कर लिया है सो इट्स अ विल्ग सरेंडर और ये टेम का मतलब तो यही है कि आप किसी को अपने कंट्रोल में कर लें बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ यूजिंग इट टू एम्प्लाई देट दर इज़ अ विलिंग सरेंडर तो आई थर्ट दिस वॉज इंटरेस्टिंग ऑल्सो सो वर्ब्स के एक तो मीनिंग्स फिक्सड होते हैं एंड दैन you can use them as a writer to imply something that you have in mind as long as you can get that across to your readers. i see a practical example. have an activity. choose three verbs for each of the two blanks. write them down under the sentence and then choose the one you think best to write in the blank. or is the verbs the past was right beside her. present. breathing. coloring her thoughts. dash. her plans. if only she could dash. हर पास्ट इफ़ ओनली से लग रहा है कि वह ख्वाहिश रही है इसका मतलब है प्रेजेंट में कोई चीज़ गलत है सो कलरिंग हर थाट्स एंड डैश हर प्लान्स के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ये वर्ब लिख लूँ डिस्टॉटिंग यानी कि उनकी शक्ल को मसख कर रहा था उसके आज के प्लान्स की शक्ल को उसका माजी मसख कर रहा था या मैं इसके अलावा लिख सकती हूँ सेबोटाजिंग यानी उनको कामयाब होने से रोक रहा था और उनको एम्बुश कर रहा था एक और वर्ब जो मेरे दिमाग में है वो है ड्राउनिंग यानी किसी चीज़ को डुबो के और उसकी लाइफ निकाल लेना डिस्ट्रॉटिंग का मतलब होगा कि ये कोई चीज़ ख़राब हो गई है लेकिन अभी भी है सेबोटाज की बहुत सी आर्मी टाइप की लैंग्वेज हो रही है तो ये मुझे शायद इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है सो आई थिंक आई लाइक द वर्ब ड्राउनिंग और इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी फिर इसको मैं पढ़ के देखूंगी ये कैसे लगता है द पास्ट वॉज राइट बिसाइड हर प्रेजेंट ब्रीदिंग कलरिंग हर थॉट्स ड्राउनिंग हर प्लान यस आई लाइक इट आई एम हैप्पी विद इट अब मैं अगला वाला देखूंगी इफ ओनली शी कुड डैश हर पास्ट इफ ओनली शी कुड एक वर्ब हो सकता है फॉर गेट हर पास्ट एक और हो सकता है स्टेप आउट ऑफ यानी उसको पीछे छोड़ दे और ख़ुद आगे बढ़ जाए एक और हो सकता है बेरी यानी दफन करना मेरा दिल है कि मैं बेरी यूज़ करूँ और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे भी ड्राउनिंग है यानी पानी में डूब के मौत हो रही है उसके प्लान्स की और उसका दिल ये चाह रहा है कि वो दफन करे अपने पास्ट को तो दोनों जाएं किसी चीज़ में अंदर जाके और लाइफ uh, खोने की बात हो रही है सो so, ये दोनों वर्ब्स एक तरह से मैच कर रहे हैं मुझे ये अच्छा लग रहा है फ्लो द पास्ट वॉज राइट बिसाइड हर प्रेजेंट ब्रीजिंग कलरिंग हर थाट्स ड्राउनिंग हर प्लान्स इफ ओनली शी कुड बेरी हर पास्ट बजाय आज के प्लान्स के वो कल का पास्ट अगर बेरी कर सकती तो कितना अच्छा होता इसी तरह आप लोग भी वर्ब्स को ट्राई कर सकते हैं एंड यू कैन प्ले अराउंड विद इट वी होप यू एंजॉय डूइंग दिस दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू